नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो आप रेगुलर इस चैनल पर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। यूके, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, हर कंट्री को लेके जो इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, मेरी कोशिश रहती है कि टाइमली आपसे मैं शेयर करता रहूं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। सो आप कंसिडर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं 9041090410। आज हम बात करेंगे यूके स्टूडेंट वीजा। जी हाँ, यूके स्टूडेंट वीजा किन को अप्लाई करना चाहिए, प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं किनके लिए बेस्ट कंट्री है यूके राइट नाउ। सो किस सिचुएशन में कौन बंदे को ऑप्ट करना बहुत जरूरी है, किस स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, इस डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट सिचुएशन में यूके का जो सितंबर इंटेक है वो फुल फ्लेज चल रहा है, ऑफर आ रहे, इवन कैश लेटर भी आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, यूके के बीएफएस लोग काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही है, बायोमेट्रिक हो रहे हैं, आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं। हाँ, रिजल्ट को लेकर थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आ रहे हैं, तो कहने का मतलब यूके के मेडिकल भी आगे हो रहे हैं। मोरओवर सो यूके टोटल प्रोसेस चल रहा है, ऑफर से लेके एडमिशन से लेके वीजा लेने तक, इवन ट्रैवल भी स्टूडेंट के लिए ओपन है। सो यूके फुल फ्लैश चल रहा है। अब किसको अप्लाई करना चाहिए यूके इस टाइम पे अगर प्रैक्टिकली बात करें, एक सबसे पहले तो उसको जरूर अप्लाई करना चाहिए जिसका खुद का इंटरेस्ट ही यूके के लिए, जिसकी अपनी प्रेफरेंस यूके है, उसके लिए मस्ट है कि आपको दूसरा ऑप्शन सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यूके डिसाइड किया है तो आई नो आप इसको समझते हैं। लॉन्ग रन के लिए अगर बात करें, आगे अगर लॉन्ग रन में हम जाते हैं तो जो यूके है वो काफी आगे टॉप की डेस्टिनेशन बन के आने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो भी चेंज होगी, और वीजा लीनियंसी जो है, वीजा देने में जितना लीनियंट यूके है, और राइट के नाउ अगर स्पाउस की भी बात करें तो और भी कोई कंट्री ऐसी नहीं है, और लॉन्ग रन की भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूके ही इस कैटेगरी में रहेगा जहां स्पाउस वीजा का सक्सेस भी ऑलमोस्ट 100% के आसपास चलता है। तो यहां पे बात करें, एक तो जिनका खुद का इंटरेस्ट है एलिजिबल है, आप अप्लाई करें। दूसरा, स्पेशली मैं उन बच्चों को एडवाइस करूंगा जो कनाडा की कई बार रिफ्यूजल ले चुके हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर क्वेरीज आती है। और होता क्या है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कनाडा दो दो बार तीन तीन बार रिफ्यूज हो चुके हैं, गैप पड़ चुका है, 17-18 पास आउट है, गैप की जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं, रीअटेम्प्ट करके सोचते हैं कि शायद अब वीजा आ जाए। बट यहां मैं बता दूं, अगर आपका गैप बिना जस्टिफिकेशन के, क्योंकि आप जस्टिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते एक बार जो एप्लीकेशन में लग गया, 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए वीजा लेना। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट की है तो तीसरी कर ले, चौथी कर ले, लेकिन अगर आपकी बहुत अटेम्प्ट हो चुकी है तो मेरी एडवाइस है अब आपको जरूरत है कि अपनी कंट्री स्विच करने की। जी हाँ, यूके आपको ऑप्ट करना लेना चाहिए। दूसरा, तीसरा अगर बात करें तो यूके जो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ बैचलर की है, उनको भी इस प्रेजेंट सिचुएशन में यूके ऑप्ट करना चाहिए। रीजन क्या है कि यूके स्पाउस वीजा देता है, स्पाउस वीजा में ना तो आपके वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि कनाडा में स्पाउस वीजा की सक्सेस रेशियो 50% के आसपास है, कोई इसके आसपास इससे ज्यादा नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो 100 में से 50 वीजा बड़ी मुश्किल से जो है कनाडा प्रोवाइड करता है स्पाउस के ओपन वर्क परमिट के, लेकिन यूके की ये रेशियो अगर ओवरऑल भी देखें, हमारी तो 100% है लेकिन ओवरऑल भी देखें तो 90% के आसपास स्पाउस वीजा की सक्सेस रेशियो रहती है। ये खासियत है यूके की, अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं प्रॉपर वे में, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो आपके वीजा रिफ्यूज नहीं करते। हाँ, जो आपकी जस्टिफिकेशन है आपके मेन एप्लीकेंट के फॉर्म में और आपके एप्लीकेंट में, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको मिसमैच नहीं होने देना, कोई भी स्टेटमेंट आपकी मिसमैच ना हो कि स्पाउस ने कुछ कहा था आप अपनी स्टेटमेंट में कुछ कह रहे हो, तो हर चीजें जो है सेम टू सेम होनी चाहिए, तो यूके हाई कमीशन यूके वीजा ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं है आपको वीजा देने के लिए। सो हर वो कैंडिडेट जो किसी और कंट्री से रिफ्यूज हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो गया, चाहे गैप पड़ चुका है, स्पेशली जिनका गैप पड़ गया 4 साल 5 साल 7 साल हो चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी यूके एक टॉप की डेस्टिनेशन है, क्योंकि यूके ही ऐसी कंट्री है जो 8-10 साल के गैप के बाद भी इजिली वीजा प्रोवाइड करे, क्योंकि एडमिशन का सारा प्रोसेस जो होता है वो एम्बेसी ने, आधा एम्बेसी ने वीजा देना है, लेकिन एडमिशन का सारा प्रोसेस जब यूनिवर्सिटी कर लेती है तो काफी हद तक वीजा पहले से सिक्योर है, क्योंकि यूके का सिस्टम ऐसा है, कैश लेटर एक एम्बेसी का ही डॉक्यूमेंट है, आप उस पर देखना यूके वीजा एंड इमिग्रेशन लिखा होता है, मैसी का एक डॉक्यूमेंट है, उनके लॉगिन में होता है, एक कैश का एक नंबर होता है जो ई से स्टार्ट होता है, तो सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद ही जो यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल से मैसी से वो इशू करवा के देती है। सो इसलिए हम कहते हैं कि 80-90% वीजा आपका ऑलमोस्ट सिक्योर होता है, क्योंकि बाद में जहाँ तो वीजा सीधा आएगा जहाँ इंटरव्यू के चांस है, इंटरव्यू में भी हम प्रेपरेशन अच्छे तरीके से कराते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है विदाउट आईएलटीएस एडमिशन चाहते हैं तो भी आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं, कम परसेंट है प्लस टू में 50% है, ग्रेजुएशन में कम है तो भी आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास
पास अवेलेबल है। सो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9041090410। सो और भी ऐसी अपडेट इस चैनल पे रेगुलर बेस पे आती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए tvostudy.com पे वीडियो काउंसलिंग बुक करके हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नई अपडेट फिर से लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।